स्टार्ट हो जाएगी। हो गई थी शुरू। हीट हो जाता है, पांच चार तो सही सो रहे दुबारा। होम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं विजयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पगर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कदि इसी जगत में कदि जो असंतुष्ट भाव कैसे दूर जाएगा? इसका मतलब है कभी कभी हम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हम संसार में दुखी हो जाते हैं, कभी कभी संसार में हमें ये मिलनी चाहिए था मिला नहीं, ये मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो तरह तरह का भाव हमारे अंदर में, ये कैसे दूर जाएगा? और दुनिया ऐसे की चीज है, कोई व्यक्ति कभी भी जिंदगी में अपने आप को संतुष्ट नहीं समझता है, भले ही जीवन में जो कुछ उसको मिल जाए। इसलिए श्री परिकित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी को क्या पूछे, बोला अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं ह्रियमाणस्य सर्वथा। बोला अतः पृच्छामि संसिद्धि, इसका मतलब है आप कृपा करके बताइए जगत में ऐसे कौन सा चीज है जिसको जीव प्राप्त करने पर उसको जीवन ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, जीवन में किसी चीज की हमें किसी कमी नहीं है, हैं? और पुरुष मात्र का कर्तव्य क्या है? इसलिए यहाँ पर भी प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया, जगत में जीव को पूर्णता कब प्राप्त होता है, जीव संपूर्ण रूप में संतुष्ट कब हो जाता है? तो इसका उत्तर देते हैं, बोले भगवान भक्ति था के लिए जीवे असंतोष कारण था के ना। तो प्रभुपाद कहते हैं
तभी जीव को संपूर्ण संतुष्टता प्राप्ति होता है, अगर भगवान के चरण में उसको सही सही अगर भक्ति मिल गया तो। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, जम लब्धा तचापरम लाभम मन्यते अधिकम तत जस्मिन तिष्ठ न दुखे न। वहां पर कृष्ण कहते हैं, जम लब्धा तचापरम लाभम मन्यते अधिकम तत। कहते भगवत भक्ति ही जीव को जो प्राप्त होता है उसको क्या लगता है, मेरे को आज जीवन में संपूर्णता में प्राप्त हो गया है, उसको मन में ये नहीं रहता कि कुछ मिला नहीं है और कुछ मिलनी चाहिए। कहते प्रमाण कहाँ करे, तो जितने भक्त लोग का चरित्र को देखो, जब ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिए तब भगवान कहते ध्रुव मैं ऐसे एक देवता हूँ जैसे शंकर जी को अगर कोई बोला अमर वर दे दो, ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु मां के हमें अमर वर दे दो, हमें ये दो ये दो, बोले भैया मैं खुद ही अमर नहीं, तेरे को कैसे अमर वर दूंगा। कहते उनका लिमिटेड से बाहर किसी देवा देव को मांगो तो वो दे नहीं सकते हैं। लेकिन नारायण कहते मैं ऐसे एक देवता हूँ, जगत में ऐसे कोई चीज नहीं जो चीज को मैं नहीं दे सकता, इसलिए आज तुम जी भर करके मेरे से जो कुछ मांगना मांग लो, जो कुछ मांगना। नरसिंह भगवान भी प्रहलाद को ही बोले, बोले मेरे से भर मांगो, जो मांगोगे सो मैं दे दूंगा। लेकिन पर ये क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज, क्या कहते हैं, बोले स्थाना विलासी तपसि स्थित अहम त्वाम प्राप्त भान देव मुनि त्रगुजम काचम विचिन्न अपितिपरत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मि वरम न जाचे। बोले प्रभु पहले मैं तो मूर्ख था, इसलिए पहले मैं किस लिए भजन करने के लिए आया था, मैं मेरे को मेरे बीमाता ने पिताजी की गोद में जब मैं बैठने जा रहा था, बोले नहीं पिताजी का गोद में तभी बैठ सकते हो पहले भगवान की भजन कर, भजन करके मेरे कोख से जन्म ले फिर पिताजी गोद में तो बैठ सकते हो। इसका मतलब है भगवान गोद से उसका कोख ज्यादा महत्व है, उसका कोख ज्यादा महत्व है भगवत भक्ति से। इसलिए कहते मेरे कोख से तभी जन्म ले करके तुम बैठ सकते हो। लेकिन बोले ठीक है, उसने माँ के आशीर्वाद लेकर गए। माता जी ने बोले कब तक पिताजी रहेंगे, कब तक राज्य रहेगा, सब दोनों नष्ट होने वाले, ऐसे एक की गोद में बैठो जिसको गोद में बैठो कभी उतरोगे नहीं, और तुमको पिता कितना स्नेह प्रेम देगा, उससे करोड़ों गुना प्रेम देगा भगवान, जहाँ भगवान की आराधना कर बेटा है। लेकिन जब भगवत प्राप्ति हो गई फास, बोले प्रभु पहले तुम्हें बेवकूफ था, ज्ञान उदय हो गया, बेवकूफ था। इस जगत में किसी व्यक्ति को पूछो तुमको क्या चाहिए, क्या बोलेगा, मेरे को नाती पति बेटा बेटी दुनियादारी पति नौकरी चाकरी यही दे दो जी, और क्या मांगेगा, यही तो मांगेगा और क्या मांगेगा। लेकिन वो कहते हैं प्रभु मैं पहले बेकूफ था, मैंने राज्य लोभ से आया है, हैं? अगर किसी ने कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर किसको दिव्य रत्न मिल जाए जगत में, ऐसे कौन सा बेकूफ होगा जो ये दिव्य रत्न छोड़ करके कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा। इसलिए कृतार्थ अस्मि प्रभु मैं धन्य हो गया हूँ, भक्ति प्रभुता तो में प्रसंग अगर देना तो आपका भक्तों का संगत हो, जिनके मुंह से आपकी कथा रूपी गंगा नित्य निरंतर प्रवाहित तो होती है, और उसी गंगा में मैं गोता लगाते रहूं, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे को साधु संग आपकी भक्ति हमें चाहिए। प्रहलाद महाराज भी यही बोले, आपकी चरण में हमें भक्ति दो, हमें ये दान के चक्कर में है, ये दान की बल के चक्कर में मेरे को मत डालो, मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, जो कुछ दे दिया हमको ये चीज चाहिए, हमें ये बढ़ियागिरी नहीं चाहिए, हमें तो भक्तों का संग, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो जब भगवान के चरण में किसकी भगवत भक्ति हो जाए ना, बस यही एक चीज है जो कि जीव को संपूर्ण रूप में संतुष्ट कर सकता है, उसे सही हो सकता है। इसलिए भक्त लोग तो कहते हैं ननाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम
न सार्वभौम न रसाधिपत्य, मतलब इतनी बड़ी भक्ति है, हैं? यहाँ पर भगवान से वित्रा से प्रार्थना करते, प्रभु हमें स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, हम भारत हमें कहीं भी भारत में देखो कहाँ हमें स्वर्ग में गया, कहते ना पर लोग तो स्वर्ग गया, मैंने स्वर्ग सबसे बड़ा, उससे बड़ा उनको पता नहीं और जगत में कोई बड़ी चीज मरते स्वर्गवास हो गया, मरते स्वर्गवास हो गया, कहीं जाओ स्वर्गवास, उनको ऊपर कुछ जानते नहीं, इसलिए बोले भैया स्वर्ग चले जाते हो वहां पर, तो कथा हो गए रंभा उर्वशी मेनका अमृत नंदन कानन सुधर्मा सभा, यहाँ से सौ गुण ज्यादा भोग वहां पर है, बोले स्वर्ग ले लो, बोले नहीं 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 स्वर्ग नहीं चाहिए, उससे सौ गुण उसके सौ गुण उसको सौ गुण करते करते ब्रह्म लोग है, हाँ पता नहीं कितना आनंद, बोले वहां ले, बोले नहीं 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 नहीं, बोले वहां पर जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद है रसातल में, ऊपर लोग में जितना आनंद है कहते रसातल में उससे ज्यादा, बोले उसको ले लो, बोले नहीं 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 नहीं, बोले रसाधिपत्यम है, बोले नहीं नहीं फिर न योग सिद्धि, जो योग सिद्धि ले लो, योग सिद्धि में इतनी शक्ति है जैसे सौभर ऋषि एक साथ उसने 50 रूप धारण कर लिया, 50 रूप धारण कर लिया, क्योंकि मानधाती की 50 से बेटी थी, जब उसने पहले गया था शादी करने के लिए हैं मीन की मछली की क्रीड़ा को देख करके तपस्या कर रहे थे, कहाँ पानी में काले हृदय तपस्या कर रहा था, दोनों मछली को क्रीड़ा करते देख करके इसके हृदय में भी संसार की वासना आया, अरे तो बड़ा आनंद ले रहे, हम भी ऐसे आनंद लेनी चाहिए, तो गया शादी करने के लिए, शादी करने के लिए गया है, बोले मानता था कि बोले एक बेटी दे दो मेरे मन में शादी, लेकिन देखा ये तो भजन करते करते शरीर में हड्डी हड्डी, और मेरे राजकुमारी इतने एक से एक सुंदरी, इसको कौन पसंद करेगा, अभी मैं अगर मना कर दो तो राज ये नाराज हो जाएगा है, बोले भैया हमारी राज धर्म में एक नियम है स्वयंवर सभा की, उसमें बेटियां अपना मन मर्जी पति चुनती है, स्वयंवर सभा में अगर स्वीकार करेंगे तो कर लेना, बात को टाल रहा था, वो समझ गया मेरे रूप को देख कर उसको पसंद नहीं हो रहा है, इतने में इतने सुंदर जोग सिद्धि है ना, इतने सुंदर उसने रूप धारण किया, 50 बेटी आपस में लड़ गए, कहते मैं शादी करूं, बोले तेरे से पहले मैंने वर्ण कर लिया, बोले तेरे से पहले मैं इतने सुंदर बन गया, फिर उसने कितना रूप धारण किया, 50 रूप धारण किया, और उसके लिए 50 राजमहल बनाया, और सबके साथ में रह रहा था, सबको साथ में रह रहा था, अलग अलग रूप धारण करते हुए, एक दिन मानधाता ने देखा मेरी एक से एक सुंदरी लड़कियां, और ये जोगी सबको लेकर चला गया, अब ये कर रहा है क्या, फिर बेटियां खुश है कि नहीं, एक दिन देखने के लिए गया मानधाता, जब बड़ी बेटी से बोले बेटी तू कैसे हो, बोले मैं बहुत खुश हूं, ये तो मेरे को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, और मानधाता का जो विषय भोग था उससे कई गुण ज्यादा विषय भोग उसको घर में देखा, मेरे घर में जो चीज नहीं विषय भोग इसको घर में ये उपलब्ध है, दूसरी बेटी से बोले बेटी तू कैसे, बोले मैं बहुत खुश हूं, ये तो मेरे को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, दिन भर मेरे पास में रहता है, हाँ? मतलब ऐसे ये जोग सिद्धि में ऐसे एक स्थान पर रह करके बहु रूप धारण कर सकते हो, किसके मन की बात जान सकते हो, सूर्य रश्मि देकर सूर्य लोग जा सकते हो स्वर्ग लोग, तुम जो चाहोगे ना जोग सिद्धि में, हाँ कहते अनिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम है, ये सब जो रिद्धि सिद्धि सब ये है लक्षण है, सब कुछ छोटे से छोटे हनुमान छोटे बन गए बड़े बन गए, आकाश में उड़ करके चले गए, जहां तुम्हारी मन जितने तेज में गति करते जहां चाहो वहां तुम पहुंच जाओगे, कोई आएगा तो उसकी मन की बात बता दो, इसीलिए तो आया था मारी ये हो रहा है, और सारी बात बता देगा, कहते ये ले ले ये जगत में चीज कोई छोड़ेगा, बारे कहते कहते तुम ये सब ले लो अष्ट सिद्धि नवसिद्धि ले लो, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए है, बोला अगर इसको नहीं चाहिए सबसे बड़े जगत में अपुनर्भव मतलब मुक्ति है, ये मुक्ति लोग जान जाने से जीव दोबारा संसार में वापस नहीं आता, ले लो, बोले नहीं अगर देना तो बिरह दो, भगवान के चरण में दिन रात भगवान के चरण में मेरा मन
डूबे रहे, ठाकुर की चरण की चिंतन करते रहे, हमें केवल यही चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीव असंतोष के कारण था के ना, अगर भगवान की चरण में भक्ति अगर तुमको मिल गया, उनकी चरण की सेवा मिल गया ना, बस जगत में किसी चीज की तुम्हारी असुविधा जगत में नहीं रहेगी, सब चीज तुमको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी भगवत भक्ति हमें मिली नहीं ना, इसलिए हमें दूसरे चीज की ना प्रलोभन होता है, वो ये चीज हो चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये चीज हो जाए, ये चीज मिल जाए। कारण है भक्ति की महिमा अभी हम चुके समझे नहीं है, इसलिए हमें ये चीज। हनुमान जी को पूछो, हनुमान जी को पूछो, हनुमान जी क्या कहते प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बार बार मकबर मागो हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग, मेरे को भक्ति दो, संग दो, आपके चरण की सेवा में, सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक हूँ, प्रभु मेरे पूज्य है, मैं उनकी सेवक हूँ, बस हमें यही चाहिए। यही पृथ्वी ते आमरा सेवा विमुख है आई कर्म फलाधीन हई, कभी पृथ्वी में हम क्या कर रहे हैं, चूंकि भगवान की सेवा से हम लोग विमुख हो गए, विमुख हो करके क्या कर रहे हैं, कर्म फल का अधीन बन गए हैं। जैसे जैसे कर्म किया वो कर्म के फल को हम इस जगत में भोग कर रहे हैं, बोले कर्म फल कखन और शुभ भोग, कखन हो प्रणाय आवार, कखन और दुख भोग, और कथ कखन कखन विश्व भोगापन्न हई, कहते हमने अपना कर्म के अनुरूप जगत में हम फल भोग कर रहे हैं। क्या क्या फल भोग कर रहे हैं, कभी तो संसार में सुख भोग करते, कभी कभी किसको साथ में हमारी प्रेम हो जाती है, हैं प्रेम हो जाती है, कभी कभी संसार में हम दुख भोग करते हैं, कभी कभी विषय भोग में हम प्रमत्त हो जाते हैं। भगवत सेवा प्रयोजन बोध उदित है, ले जावतीय क्लेश और सुख सना हमारे किचुई करिया उठते पारे ना। लेकिन ये जो कभी दुख कभी सुख कभी प्रेम किसको सकते हो जाते, ये सब हो जाता है, बोले कब तक ये सब चीज रहता है, बोले तब तक ये सब चीज रहता है जब तक हम लोग भगवान की सेवा भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल जाए, नहीं करते तब तक ये संसार का दुख रहते से हम लोग संसार उसमें हम रमे रहते हैं। लेकिन जब भगवत सेवा का प्रयोजन अगर हम लोग उदित हो जाए जीवन में, भगवत सेवा ही एक हमारे प्रयोजन जगत में, और किसी चीज की हमारी प्रयोजन नहीं, उस समय जावतीय क्लेश और सुख सना हमारे किछु करता उठवे ना, कि उस समय क्या होगा, जगत का जितने क्लेश है, जगत का जितने सुख है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हें सर्वदा भगवत सेवाए मान दिवे, मतलब किसने ये प्रभुपाद के पास में कोई पत्र लिखा था, कोई पत्र लिखा था, प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर में दे रहे हैं, लेकिन तुम क्या करो, प्रभुपाद कहते हैं बोले तुम सब समय भगवत सेवा में अपना मन को लगा करके रखो, हाँ भगवत सेवा में मन करके लगा कर रखो, फिर तो संसार का कोई भी चीज तुम्हें आकर्षण नहीं कर सकता है। इसलिए ताहिले कहई कौन क्षति करते पारिबे ना, अगर जब तो भगवत सेवा में अपना मन को लगा कर रखोगे, ये जगत में कोई भी तुम्हारी कोई क्षति तुम्हारी नुकसान कभी तुम्हें नहीं पहुंचा सकता है। जब भगवान की भक्ति में तत्पर रहोगे फिर भगवान तुमको रक्षा करेंगे, भगवान कहते रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान उसको रक्षा करेंगे, ठाकुर जी उसको रक्षा करेंगे, हर समय उनका सुदर्शन चक्र उसको रक्षा करते हैं। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास, यहाँ तक भी काल को दुनिया डरता है, लेकिन काल किसको डरता है, भगवान के भक्तों को डरता है, जो भगवान की कथा भगवान के कीर्तन भजन करता है, काल उसको हर समय उसको डरता रहता है। इसलिए तुम्हारे कौन क्षति होते पारे ना, चंचल हैया बा कहारो प्रति असंतुष्ट भाव प्रदर्शन करिया, जब तुम्ही पृथ्वी ते थाको ताहिले भगवत सेवा कथा तुम्हार मने पड़े बिना, यहाँ पर एक अच्छी बात कहते हैं, बोले देखो
अगर तुम अपना मन को चंचल करते हुए किसको प्रति अगर तुम असंतुष्ट भाव प्रदर्शन करोगे, किसको प्रति तुम नाराजगी भाव अगर तुम प्रदर्शन करोगे, फिर क्या होगा उसमें, फिर हमारे मन में क्या रहेगा, अरे उसने मेरे प्रति ऐसे किया था, उसको दिखा दूंगा। हाँ, वो क्या समझता है उसको हम दिखा देंगे। फिर मन क्या होगा, फिर भगवत चिंतन छोड़ करके फिर तो अब तुम्हारा जो मन है और किसी चिंतन में आविष्ट रहेगा, और किसी चिंता में तुम्हारी मन आविष्ट रहेगा। हैं, तो आविष्ट रहने पर क्या होगा, फिर भगवत जो स्मरण है हमारी ये चीज नहीं रहेगा, फिर रहेगा ना उसने हमारे साथ में ऐसे किया, ठीक है मेरा मेरा भी मेरी भी तो बारी आएगी। हैं, एक दिन में तो रात्रि भर हो जाता है, इसलिए मेरा भी समय आएगा तो उसको भी मैं भी दिखा दूंगा। अगर भावना रहेगी तो गया तुम्हारे भक्ति दिन रात तो उसमें तुम्हारे मन पर लगा रहेगा, उसको समय आएगा दिखा दूंगा। लेकिन अगर तुम भगवत भजन में अगर मन को लगा कर रखोगे, भगवान भक्ति में लगा कर रखोगे, फिर क्या होगा, फिर तुमको कौन रक्षा करेगा, बोले तुमको भगवान रक्षा करेंगे, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। इसलिए जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, उसी समय में आप देखना युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। महाभारत देखे हो, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन भीम का जो बाहु ना हाथ पड़पड़ा रहा था, वे दुष्ट दुर्योधन जिस द्रौपदी को कह रहे ना, तुम द्रौपदी को विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो, घोर युद्ध में तेरे जंघा तोड़ूंगा, हाँ तेरे जंघा तोड़ूंगा। ए अर्जुन एकदम क्रोधित होकर उठ गए गांडे भी लेकर के। हैं, इतने में युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे चुप बैठो, चुप बैठो, चिंता मत करो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को ये विश्वास नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या है, देखना जब युद्ध होता है ना उसी समय केवल एक ही भावना रहता है, मरना नहीं तो मारना, और कुछ नहीं रहता है सामने, और उसको कुछ भी नहीं दिखता है, खुद मर जाओ नहीं तो दूसरों को मार डालो और कुछ नहीं। लेकिन उसी अवस्था में भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है, कोई आसानी बात नहीं, उसी समय भी जिसका मन स्थिर रहता है, हैं स्थिर है, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर। अभी किसी तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में विवस्त्र कर रहे उसको कोई सहन कर सकता है, कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए। क्यों चुपचाप बैठे हुए, कारण है उनको ये पूर्ण विश्वास है, कहते हमें कृष्ण जद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी को करते हैं, इसलिए कृष्ण द्रौपदी को अपना सखी कहते हैं, कहते तुम्हारी तुम मेरी सखी हो। जब कृष्ण की कोई सखी है तो उसको कोई जगत में बिगाड़ सकता है, उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण जरूर उसको रक्षा करेंगे ही, इसको जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनकी ये पूर्ण विश्वास है, हैं? इसलिए उनको सखी कहते हैं। और चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे उनको, क्योंकि जो छह दरगाह जो शरणागति है उसमें एक है रक्षिष्यति इति विश्वास, उनको पूर्ण विश्वास रहता है भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे ही। लेकिन विश्वास कब आएगा, जब संपूर्ण हम शरणागत होंगे, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे, खुद को रक्षा करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे। जैसे द्रौपदी को है, द्रौपदी को कृष्ण बोले ना, द्रौपदी मैं तेरे को तो रक्षा करने आया था लेकिन आधा रास्ता से गया, फिर एकदम नजदीक से मैं आकर गए, एकदम नजदीक में आकर गए, बोले क्यों, बोले तुम खुद को खुद रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा था, दूसरों को पुकार रहा था, लेकिन तुमने जब देखा कोई नहीं रक्षा की, जब तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, जब तुमने हाथ उठा करके पुकारा, मैं स्वयं वस्त्र रूप में फिर तुम्हारे पास में मैंने प्रकट हो गया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठे हुए थे, उनको पूर्ण विश्वास था कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, हैं कृष्ण जरूर सचमुच भगवान रक्षा किए, पूर्ण विश्वास। अंबरीश महाराज दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर जटा को उखाड़ कर दी, बोले मेरे को बिना खिलाए तुमने खा लिया, निमंत्रण करते हुए राक्षस प्रकट हुआ, राक्षस प्रकट होकर बोले इसको जाओ उसको मार दो। लेकिन अंबरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, बोले जाके राक्षस मार सके ना कोई,
बाल ना बांका कर सके तू जगत गई हुई। उनको पूर्ण विश्वास था हैं, राखे हरि तो मारे की और मारे हरि तो राखे की। जिसको भगवान रक्षा कर सकते उसको कोई नहीं मार सकता, जिसको हरि मार सकते उसको जगत में कोई बचा नहीं सकता। उसको पूर्ण विश्वास था इसलिए खड़े हुए थे। बात सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को तो मारा ही मारा, फिर दुर्वासा जी को पीछे भागे, ब्रह्म लोग शिव लोग वैकुंठ लग तो उसको ले गए, और लास्ट में इनके चरण में आकर के माफी मांगना पड़ा है, उनको माफी मांगना पड़ा। इसलिए जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं ना, उनके हृदय से उनको पुकारते ठाकुर जी तुम्हारी इच्छा के बगैर की पता भी नहीं हिलता, जो कुछ करना तू ही करो, फिर भगवान क्या करते भक्तों को रक्षा करते ठाकुर जी पे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर हम किसको प्रति असंतोष बुद्धि दिखाते हैं है? फिर क्या होगा, फिर उसमें क्या होता है मन हमारी फिर भगवत भजन को छोड़ करके ना फिर प्रतिशोध लेने के चक्कर में रह जाते। समय आएगा तो तेरे को हम दिखाऊंगा तुमने मेरे प्रति ऐसे किया था, देख लूंगा तेरे को, बस गया तुम्हारे भजन गया, मतलब भगवान पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, ठाकुर का पर तुम्हारी विश्वास नहीं है, तुम स्वयं प्रतिशोध लेने के लिए तैयार होंगे हैं। प्रहलाद महाराज को आग में फेंक दिया, आकाश में फेंक दिया, उनने कभी प्रतिशोध की भावना थोड़ी ली, भगवान को हर समय भगवान को स्मरण करते रहे हैं, ठाकुर जी को स्मरण करते रहे, भगवान को स्मरण करते रहे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं चंचल हया कहार प्रति असंतुष्ट भाव प्रदर्शन करिया तुम यदि पृथ्वी पे थाको ताहिले भगवत सेवा कथा तुम्हारे मन पर बिना, फिर क्या होगा दिन रात किसको प्रति असंतुष्ट भाव में रहेंगे तो हम जो भगवत भजन है वो चीज हमारी याद नहीं रहेगी, फिर हमारी जो मन है और किसी चीज में मन हमारी और किसी चीज में लगा रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय भगवत चिंतन भगवत स्मरण भगवत कथा भगवत भजन में ही अपना मन को लगा करके रखो, फिर तो तुमको ठाकुर ही समय आने पर ठाकुर ही तुम्हें समस्त व्यवस्था ठाकुर कर देंगे। देखो और एक चीज है, जिस समय महाप्रभु की लीला में कोई एक संवाद श्रीवास जी को कान में पड़ा, किसी ने आकर के बोला जितने इसे हरिनाम कर रहे ना सब के सब तिलक कंठी धारी है जो माला धारी ये सब के सब जगत को उत्पाद कर रहे हैं, और ये श्रीवास पंडित चार चार भाइयों को लेकर के रात भर ये क्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जितने सब हरिनाम करने वालों को ये राजा उन्होंने नाव भेजेगा और इनको पकड़ के सब जल में ये जितने, क्योंकि ठाकुर जी रात को सोते हैं, ठाकुर जी रात को सोते हैं और ये चार भाई क्या करते रात भर कीर्तन करते हैं, अगर कोई सोया हुआ हो कोई कीर्तन करेगा क्या करेगा तो सो नहीं सकता है, ये भगवान की निद्रा को भंग करते हैं ना, इसलिए नाराज होकर ठाकुर जी जगत में उत्पात करेंगे क्योंकि भगवान को सोने नहीं देते, भगवान ये सोने नहीं देते, रात भर ये कीर्तन करते हैं, इसलिए राज नौका आकर के उनको सो पकड़ करके ले जाएगा। इसलिए श्रीवास पंडित भक्तों को विपत्ति आने से नरसिंह देव को पूजा करते हैं, तो उन्होंने भगवान नरसिंह देव को पूजा करना शुरू कर दी, जब कर दी इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए मारे एक धक्का दरवाजा खुल गया, बोले श्रीवास तुम सोच रहे हो जो भजन करने वालों को राज दूत आकर के पकड़ करके ले जाएगा जेल में बंद करेगा, कोई चिंता मत करो अगर कोई राजदूत आएगा ना पकड़ कर ले जाएगा। तो महाप्रभु यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले राजा के हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन है, कहते परमात्मा रूप में मैं सबका हृदय में बैठा हुआ, जब तक मैंने किसको हृदय से किसको प्रेरणा नहीं देता हूं किसका हिम्मत नहीं वो बोलेगा इस काम को करो, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय में कौन बैठे हुए ना ठाकुर जी बैठे हुए ना हृदय में, सबका हृदय में परमात्मा रूप में प्रेरणा देने वाला तो परमात्मा ही है ना, वही तो प्रेरणा देते हैं, लेकिन मैं तो जीव का हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूं ना,
जब तक हृदय से मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ भैया आदेश कौन देगा, कोई दे नहीं सकता। अब भगवान कभी भक्त का अमंगल कर ही नहीं सकते ठाकुर जी, कभी भक्त का अमंगल ठाकुर कर ही नहीं कर सकते भक्तों का। इसलिए प्रेरणा देने वाले तो मैं हूँ, भगवान स्वयं महाप्रभु कहते हैं अगर राजदूत तो आएगा तो मैं स्वयं जाऊंगा, जा करके मैंने राजा से चैलेंज करूंगा, बोले तुम्हारी अपना पशु पक्षियों से तुम क्या करो, पशु पक्षियों से तुम अपना कलमा उच्चारण कराओ, कुरान उच्चारण कराओ, हैं? अगर नहीं करा पाएगा ना फिर मैंने जानवर के मुंह से अपना हरिनाम उच्चारण कराऊंगा, उसका प्रमाण देखो। तो उनका भैया का बेटा थी क्या ना नारायण है, जिनके बेटा वृंदावन दास ठाकुर हुए, छोटी बच्ची थी महाप्रभु बोले नारायणी, तो कृष्णा बोल करके रो, तो छोटी बच्ची थी, एक महाप्रभु आदेश देते ही कृष्णा बोल करके उसने ऐसे रोना आरंभ करती, कृष्णा नाम लेकर के ऐसे रोना आरंभ करती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान ही बैठे हैं, और जब तक वो किसको प्रेरणा हृदय से नहीं देते ना तब तो कोई कुछ होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं बोले कोई चिंता मत करो, रूपाद कहते हैं भगवान भजन करो, भक्ति करो, उनकी भाव में हर्ष में डूबे रहो। इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं तुम्हारे सेवाए करी व जतन है पते अनुरागी, और तुम्हारी भाव में हर समय प्रभु में डूबा रहूं, तुम्हारे नामों में, तुम्हारे कीर्तन में, तुम्हारी सेवा में हर समय हमें डूबे रहनी चाहिए ठाकुर के सेवा में हैं। इसलिए करने वाले ठाकुर जी है, इसलिए पूरा पूरा क्या कर ठाकुर के चरण में समर्पित कर दो, इसलिए ठाकुर जी सब कुछ करने वाले ठाकुर जी है, बस फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगा। इसलिए भक्तिवन ठाकुर कहते हैं आत्मनि वेदन तो आपद करी हाइनो परम सोखी दुखा दूर गेला चिंता न रहिला चौदि गे आनंद देखी। कद प्रभु आत्मनिवेदन तो आपद करी हाइनो परम सुखी, जब मैंने तुम्हारे चरण में आत्मसमर्पण कर दिया है मैंने सुखी हो गया, चौदिगे आनंद देखी चारों तरफ में आनंद ही आनंद है। बोले क्यों, बोले अशोक भय अमृत आधार तुमर चरण विश्राम छो भवे रय, क्योंकि आपके चरण में अशोक अभय अमृत तुम्हारी चरण में है, इसलिए आपके चरण में जो हम शरणागत हो गए संसार का भय दूर हो गया, आपने अपने आप संसार का दुख दुख दूर हो गया, भय दूर हो गया है। इसलिए तुम्हारे सेवा करीब जतन हाय पद अनुराग, इसमें क्या करेंगे तुम्हारी सेवा कैसे होगा उसमें हम जतन करेंगे, तुम्हारे चरण में अनुराग करते होंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ताहिले भगवत सेवा कथा तुम्हारा मन पड़ी ना बाघ युद्ध देह युद्ध बा मानसिक असंतोष स्वरूप युद्ध तुम्हारे हरि सेवा करते दिवे ना। जब हम किसको प्रति किसी कारण से असंतुष्ट हो जाते फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं उस समय में फिर क्या होगा बाघ युद्ध, किसको साथ में तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे, उसके बाद में देह युद्ध, पहले बाघ युद्ध होता है पहले जीवा चलती है, उसके बाद में क्या होता है जब जीवा से उल्टा पुल्टा चीज निकलता है तेरे को दिखा दूंगा तुम मेरे को क्या समझते हो, फिर बाघ युद्ध के बाद फिर देह युद्ध शुरू हो जाता है, फिर मारपीट करना शुरू कर देते हो, पहले बाघ युद्ध होता है, है? बाघ युद्ध से इसलिए देखना गुंगा का कोई शत्रु नहीं होता है, गुंगा का कोई शत्रु नहीं होता है, शत्रु किसको होता है ये जीवा, द्रौपदी जैसे बोल दिया अंधा का बेटा अंधवास महाभारत हो गया है, सीता जी ने क्या बोले हाँ समझ गया तू तो किसी के साथ में आया था, राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे, बस क्या हो गया रामायण होगी। इसलिए पहले बाघ युद्ध, उसके बाद में फिर देह युद्ध, फिर देह युद्ध के बाद में फिर तो मानसिक युद्ध,
जिसके साथ मेरी लड़ाई हो गई, भास मन मन में भास, उसको मौका मिले तो उसको भी हम दिखा दूंगा। इसलिए फिर मानसिक युद्ध है, फिर असंतुष्ट युद्ध, तुम्हारे हरि सेवा करते दिवे ना, फिर क्या होगा? अगर ये सब चीज चिंता न होना, तुमको भगवान की सेवा करने के लिए ये चीज भय देगा नहीं। सूत्र तरुर न्याय सहज सह्य गुण संपन्न हिया भगवत इच्छा क्रमे कुरुक्षेत्र थाक ताहले तुम्हारे मंगल हैवे। यहाँ पर कहते हैं कि तरुण न्याय सहिष्णु होकर के क्या करो, जैसे वृक्षों के अंदर में सहन शक्ति, महाप्रभु कहते ना त्रिनादपि सुने चैन तरुरपि सहिष्णु, तृण से घास से भी ज्यादा क्या करो, दीनहीन बनो और वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। जैसे वृक्ष को काटने पर भी कुछ बोलता नहीं है, तभी वो छाया देता है तुमको, फल देता है, फूल देता है, तुमको पत्ते देता है, तुमको तना देती है। इससे कब हम सब कब बनाते झलका जालना सब के सब बनाते हैं। इसलिए जैसे वो देता है कद उसी तरह क्या करो, अगर वृक्ष जैसे अगर सहन शक्ति रहेगा तब। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कद तुम भगवत इच्छा कर में कुरुक्षेत्र था बताइए तुम्हारा मंगल है। अगर इसी अवस्था में अगर कुरुक्षेत्र में भी रहोगे, कुरुक्षेत्र मतलब क्या है, जहाँ पर पांडव और यहाँ पर कुरु युद्ध हो रहा था, पांडव और कुरु में जहाँ पर युद्ध हो रहा था वो कुरुक्षेत्र है। कहते ऐसे अगर कुरुक्षेत्र में भी तुम रहोगे ना, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कहते वहां से उसी अवस्था में तुम संतुष्ट रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम भगवत शरणापन्न हो, भगवत शरणापन्न हो। देखो कुरुक्षेत्र में अब कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध देखा है कि नहीं, अब देखे होंगे महाभारत युद्ध में, वहां पर बस देखो ये युद्ध आसानी से खत्म हो सकती है, आसानी से खत्म हो सकती है। बोले कैसे, अगर किसी तरह से अगर ये युधिष्ठिर को बंदी बना दिया जाए, मैंने तो युधिष्ठिर है ना, एक तरफ में युधिष्ठिर दूसरी तरफ में कौन है दुर्योधन, इन दोनों का युद्ध है। अगर युधिष्ठिर को किसी तरह से बंदी बना दिया जाए, बस बंदी बना करके क्या करो, दुर्योधन के चरण में डाल दो, बस। जब मेन व्यक्ति बंदी हो गए फिर तो हो गया काम, हो गया बंदी हो गया तो काम हो गया, युद्ध खत्म। इसी एक उपाय पर जो इतनी जो लड़ाई झगड़ा जो मरने मारने सब खत्म हो जाएगा। बोले आज द्रोणाचार्य जो कोशिश कर रहा था, अब महाभारत देखे होंगे, युधिष्ठिर को बंदी बना, युधिष्ठिर किस तरह से बंदी बना, लेकिन ठाकुर जी को युधिष्ठिर को रक्षा करने का कौन है, ठाकुर जी। क्योंकि जब युद्ध से पहले कुंती ने अपना पांच बेटे को लेकर के आए, बोले कृष्ण मैं तुम्हें अपना पांच बेटे को तुम्हारी हवाला कर रहा हूं, तुम मेरे पांच बेटे को तुम देखते रहना। कृष्ण ने कहा बुआ जी अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा ना, तुम्हारे पांच बेटे का बाल भी बंगा होने वाले नहीं, क्योंकि जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको जगत में कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अब लोग महाभारत देखे होंगे, सारे प्लानिंग किया है, हैं? सारे प्लानिंग कर लिया, लेकिन देखा अगर अर्जुन रहेगा ना फिर तो बंदी बनाना कठिन है। और अब अर्जुन रहेगा तो बंदी उसको कोई बना नहीं सकते, क्योंकि सबको पता अर्जुन ऐसे की जोता है उसको सामने कोई भी टीक नहीं सकता है, कोई टीक नहीं सकता उसको सामने, मतलब अर्जुन के अंदर में इतनी शक्ति थी। सब प्लानिंग कर लिया है, सब प्लानिंग कर लिया सबके सब, बास बंदी बनाने वाले थे, बास इतने में अर्जुन आ गया। अब देखना जब अर्जुन आ गया ना, जो अर्जुन आ गया बास ऐसे युद्ध के सबके तिथर पितर कर दिया सबके सब, क्योंकि युद्ध जो हुई किसकी इच्छा से युद्ध हुई है, कृष्ण की इच्छा से युद्ध हो रही है, है? कृष्ण लास्ट में कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए थे, बोले पांडव को कुछ नहीं चाहिए कि बोले पांच गांव दे दो बस, सारे राज्य भोग तुम करो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले, बोले पांच गांव की बात कहते हो, बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जल्दी करने के में तैयार नहीं, पांच गांव की बात करते हो, हैं? और जिस समय कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे थे ना, उसी समय द्रौपदी बोले कृष्ण को, बोले प्रभु मैं केस को खोल कर रखा, क्योंकि
दुशासन ने मेरे केस को पकड़ के भीषण तरीके से सभा में मेरे को भेजित किया है, इसलिए तब तक ये केस को नहीं बात होगी जब तक उसकी लहू से खून से ये चोटी को मैं नहीं धो दूं। फिर भीम का भी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा? घोर युद्ध में तेरे जंघा को तोड़ूंगा, हैं? जंघा को मैं तोड़ूंगा। अब फिर बोले थे दुशासन को, जिस हाथ से तुमने पांचाल के केस को पकड़ा एक दिन घोर युद्ध में वो हाथ को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा, हैं? फेंक दूंगा। अरे भक्तों का तो प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं होगा। फिर कृष्ण की इच्छा है क्या है? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान दुष्टों को विनाश और भक्तों को पालन करने के लिए भगवान आते हैं, ठाकुर जी आए। इसलिए कहते ये कुरुक्षेत्र युद्ध हो रही थी, लेकिन युद्ध होने पर युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण विश्वास है कि आए सोच रहे उसको बंदी बनाने के लिए, जानते उसको कोई बंदी बना नहीं सकते, क्योंकि जिसको रक्षा करना करता स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण स्वयं जिनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उनको जगत में कौन बंदी बना सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने को धर्मराज युधिष्ठिर है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन पहले द्रोणाचार्य को मारना तो क्या करना पड़ेगा? अगर किसी तरह से उनको बोल दिया जाए अस्वस्थमा मारा गया, फिर तो अस्त्र शस्त्र को छोड़ दे, क्योंकि बेटा मर गया तो सुनकर दुखी हो जाएंगे। इतने में भीमसेन ने भीमसेन को कृष्ण ने कहा एक काम करो, ये जो सामने जो हाथी का नाम था अस्वस्थमा, ये इसको मार डाल दो, गदा घुमा घुमा कर मार हाथी को ऊपर में, वो हाथी इतने में मर गया। मर गया तो इतने में भीम को बोले बोले जोर जोर से बोलो मैंने अस्वस्थमा को मार डाला, अस्वस्थमा को मार डाला, अस्वस्थमा को मार डाला। लेकिन द्रोणाचार्य सुन करके मेरे बेटा मर गया, मेरे बेटा मर गया। इतने में लेकिन भीम को भी झूठ बोल सकता है, लेकिन जानते हैं युधिष्ठिर को भी झूठ बोलेगा नहीं। तो युधिष्ठिर पास में गए, क्या सच मुझसे क्या मेरा बेटा मर गया? इतने में कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर बोल दो जो अस्वस्थमा मर गया। लेकिन उन्होंने बोल दिया अस्वस्थमा हत, अस्वस्थमा हत, लेकिन वो लेकिन चुप चुप से बोल दिया इतिबा कुंजर। हाँ, अस्वस्थमा नाम का कोई हाथी जिसका नाम था, हाथी का नाम था अस्वस्थमा, वो अस्वस्थमा जब इतना बोले ना कृष्ण जोर से शंख बजा दिया, शंख बजा दिया था, आवाज सुना नहीं पड़ा, आवाज सुना नहीं पड़ा तो क्या हुआ? बस द्रोणाचार्य धनुष पर छोड़कर बैठ गया, धृष्टद्युम्न ने आकर गला को काट दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक धर्मराजा है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसी समय में भी उन्होंने झूठ को नहीं बोले, अपना धर्म को त्याग नहीं किया, अपना धर्म को उसने त्याग नहीं किया, बोल दिया नहीं अस्वस्थ नाम का कोई कोई एक हाथी है, वो हाथी ने मारा गया है, हैं? हाथी ने मारा गया। इसलिए यहां पर कहते हैं अगर कोई शरणागत व्यक्ति हो, कहते कुरुक्षेत्र अवस्था में भी जहां पर महायुद्ध हो रहा है, बोले कुरुक्षेत्र युद्ध अवस्था में भी वो व्यक्ति शांति में अवस्थान करता है, वो व्यक्ति सुख में अवस्थान करता है, घोर विपत्ति अवस्था में भी। इसलिए कहते हैं अलब्धेवा विनष्टेवा भक्ष्य आच्छादन सेवने मत अकली मत्री भुक्त धिया में भारी स्मर। इसका मतलब कहते अलब्धेवा विनष्टेवा, कहते एक शुद्ध भक्त का लक्षण कहते अलग देवा विनष्ट देवा, कुछ वस्तु प्राप्त नहीं हुआ बा कोई वस्तु नष्ट हो गया, अलग देवा भक्त आच्छादन छेवने भोजन मिला नहीं तो वस्त्र नहीं मिला, अकेले मेव मंदिर भुगता उसका जो बुद्धि है कभी उसकी विकृति नहीं होता है, धिया मेव हरि स्मरे, हर समय क्या करता है भगवान की स्मरण कभी वो व्यक्ति भूलता नहीं, किसी अवस्था में भी, किसी अवस्था में भी वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए कहते ना शांति अप्यर्थ काल तम विरक्ति मान सुनंता, शांति मतलब क्या है? भीषण खोप दुख का परिस्थिति रहने पर भी
एकदम अत्यंत दुख का परिस्थिति होने पर भी जिसका बुद्धि कभी विकृत नहीं होता है, वो हर समय में जैसे प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, 22 बाजार में पिटाई हो रही है, हैं? पिटाई हो रही, जितने जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर से क्या कर रहा था, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जितने विपत्ति होने पर भी हरिदास ठाकुर जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे। ठाकुर जी स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, लेकिन हरिदास ठाकुर जी उनका मंगल सोच रहे थे, ठाकुर जी ये मूर्ख अज्ञा है, इनके अपराध को मत लो। इतने में ठाकुर जी जब देखा मैंने उसको मारने आया, इनके मंगल चिंता कर, उन्होंने ठाकुर जी उसका आलिंगन कर लिया और जितने पिटाई किसको बर पड़ा, ठाकुर जी सब पिटाई ठाकुर को बर पड़ा है, सब मार ठाकुर जी ले लिया है। लेकिन साधारण बद्ध जीव का क्या अवस्था है, क्या अवस्था, अगर हम कोई मारेगा भगवत स्मरण तेरे को दिखा दूंगा मैं उपाय, तुम मेरे को क्या समझ रखे हो, हैं हैं क्या समझ रखे हो, और थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाए ना, आप देख लेना बद्ध जीव का अवस्था है, भगवत स्मरण तो खत्म, हृदय से पूरा खत्म हो जाती है, बस हृदय में ये दुख आ गया, कैसे दुख होगा, ए भगवत स्मरण छूट करके उसे दुखी पे हमारे जो मन है ना उसे दुख में चल जाता है, दिन रात उसी को चिंता, ये कैसे हो गया, हमारे क्या होगा नहीं होगा, कभी कभी तो यहाँ तक तक माला फाला सब छोड़ छाड़ करके कभी कभी हम नास्तिक बन जाने के लिए कभी कभी नास्तिक बन जाते हैं कभी कभी लोग। लेकिन यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि देखो, कहते वो व्यक्ति कहते महाभारत, कहते महाभारत युद्ध अवस्था में भी हैं, इसलिए सुतराम तरुण न्याय सहस्य संपन्न हैया भगवत इच्छा क्रमे कुरुक्षेत्र ही थाको ता हैले तुम्हार मंगल हैवे। अगर हर चीज को अगर सोचेंगे ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, अगर ऐसे भावना हो कि हम घोर महाभारत युद्ध अवस्था में भी संतोष रहो, उसी समय भी तुम संतोष रहोगे, उसी समय भी तुम प्रसन्न रहोगे, क्योंकि ठाकुर की इच्छा के बगैर कुछ होता ही नहीं, जो इच्छा ठाकुर करवा रहे थे, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, कृष्ण ने दिखा दिया सबको मार करके मेर रखा है, तेरे को कुछ नहीं करना, बस कल गाड़ी पकड़ो, हैं? कल गाड़ी की तो पकड़ो, जिस समय कृष्ण कृष्ण को दोनों पार्टी निमंत्रण दिया ना, दुर्योधन बोले मेरे पक्ष में युद्ध करो, अर्जुन बोले प्रभु हमारे पक्ष में, अभी दोनों पहुंचे, जब दोनों पहले पहले पहुंच गया तो दुर्योधन कृष्ण सो रहे थे, बोले कहां पर मैं बैठूं, कहां पर बैठनी चाहिए, बोले हम इतना बड़ा युवराज है, हाँ पैर के नीचे क्यों बैठेंगे, पैर के तरफ में मैं बड़ा हूं, सर के तरफ में बैठ गया। फिर दुर्योधन अर्जुन गया, वो तो भक्त है, वो ठाकुर के चरण में बैठते हैं, ठाकुर के चरण में बैठे, इतने में कृष्ण सो रहे थे, सो तो नहीं रहे थे पर क्या कर रहे थे, जब कृष्ण उठे सामने किसको देखेंगे, अर्जुन को, बोले अर्जुन तू कब आ गया, कब से बैठे हो, दुर्योधन का नहीं वो अर्जुन पहले नहीं आया, मैं पहले आया, इसलिए मैं पहले आया हूँ, इसलिए अर्जुन पहले नहीं आया। इतने में बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू पहले आया, बताओ क्या चाहते हो, कृष्ण ने कहा देखो दो चीजें, मेरे एक सात अखौड़ी मेरी नारायणी सेना है और मेरे जैसे बलवान है, एक तरफ में ये रहेंगे और दूसरे तरफ में मैं निहत्या, मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, दूसरे तरफ में ये रहूंगा, ठीक है दुर्जन तो तुम पहला है, तुम बोला तुमको क्या चाहिए, बोले ये तो निहत्या, कोई युद्ध युद्ध करेगा नहीं, इसको अकेला लेकर करना क्या, बेकार है, युद्ध करेगा नहीं, बोले मेरे को नारायणी सेना दे दो, ठीक है तो नारायण सेना ले, जब इतना बोल दिया ना अर्जुन इतने खुश इतने प्रसन्न हो गए, मैं बच गया हूँ। इतने में कृष्ण ने अर्जुन ने कहा प्रभु जो नारायण सेना ले लिया मैं आपके चाहता हूँ, कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम निहत्या हो तुम मेरे के क्यों चाह, बोले प्रभु
कृष्ण का मैं सारथी के काम कर सकता और कुछ करूंगा नहीं, बोले जीवन में तो मैं नहीं सारथी है ना, सारथी तो मैं, जिधर रास्ता रहा तो वही दिखाएगा ना किधर करना। मेरे जीवन में एक सारथी चाहिए जो सही दिशा मेरे को निर्देश करे, बस फिर तो कोई चिंता नहीं। और करने वाले तो कृष्ण ही सब कुछ है। जब उसने गया हमारे शकुनी मामा के पास में, बोले मामा मैंने जीत गया है। बोले क्या जीत गया? बोले ऐसे ऐसे बात है, ये अर्जुन बेकूफ, हाँ बेकूफ देखा है वो निहत्या कृष्ण को लेकर गए, कुछ बोले युद्ध नहीं करेगा, और मैं तो मांग लिया सात अकबर सेना। बोले मूर्ख तो सबसे बड़ा मूर्ख है, अकेला कृष्ण ही, अकेला कृष्ण कितने अखंड सेना के बराबर है, हाँ अकेला कृष्ण है। इसलिए जिसको ऊपर उनका हाथ दुनिया में उसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो वंचित हो गया, तो मूर्ख हो सबसे बड़ी है। इसलिए कहते हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण को लेकर के आए, बस कृष्ण उनकी सब कुछ उनको सलाह देने वाले। कृष्ण देखना महाभारत युद्ध में सारी कृष्ण की इच्छा से हैं, सारे कृष्ण की इच्छा, जो कुछ हो रहा था वहां पर सब परामर्श देने वाले कृष्ण, कैसे उसको कैसे मारोगे, उसको कैसे मारोगे, उसको कैसे मारोगे, वो कैसे करो, वो कैसे करोगे, सारे परामर्श देता कृष्ण ही थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ताहिले तुम्हार मंगल है वे है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी अगर भगवान अगर कृष्ण अगर निर्देश देने वाले है, उसमें भी तुम्हारी मंगल होने वाली। जैदिन श्री गौर हरि तुम्हार के अन्यत्र पठाइबे, सही दिन जन्म तुम्हें अपेक्षा करो। मतलब किसी भक्त ने प्रभुपाद के पास में कोई पत्र लिखा हुआ आपका, तो कहते भगवान ऊपर निर्भर करते हुए जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तुमको कहीं भेजेंगे हैं, कहीं तुमको भेजेंगे, उसी दिन के लिए तुम अपेक्षा करो। महाप्रभु जैसे करेंगे उसके ऊपर निर्भर करते हुए अपना जीवन को बिताओ, और भगवत शरणागत होकर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लस श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, प्लस श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सफर कर प्रभुपाद की जय। भक्ति कुमोद श्री संत गोस्वामी महाराज की जय। आज उनकी तिरुभाव तिथि, तिरुभाव शाम को कथा, शाम को कथा सुन लेंगे, ठीक है। बच्चा तुम तिरुभाव।